देश भर में लोकसभा चुनाव के चलते प्रत्याशियों और पार्टियों द्वारा जोरों शोरों से प्रचार प्रसार किया जा रहा है और लोगों से अपील की जा रही है उनके पक्ष में मतदान करें। लेकिन इंदौर की राजनीति में इसके उलट माहौल कुछ और ही है। यहां कांग्रेस ने बतौर प्रत्याशी अक्षय बम को मैदान में उतारा था, जिन्होंने इन वक्त पर अपना नामांकन वापस लेकर भाजपा का दामन थाम लिया। लेकिन इंदौर की राजनीति में इसके उलट माहौल कुछ और ही है। यहां कांग्रेस ने बतौर प्रत्याशी अक्षय बम को मैदान में उतारा था, जिन्होंने ऐन वक्त पर अपना नामांकन वापस लेकर भाजपा का दामन थाम लिया, जिसके बाद से कांग्रेसी नेताओं में आक्रोश पनप रहा और वे इंदौर में लगातार नोटा का बटन दबाने की अपील कर रहे, जिसको लेकर खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम ने वरिष्ठ पत्रकार, जनप्रतिनिधियों और आमजन से चर्चा की है और उनकी राय जानने की कोशिश की। देखिए ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव देश का सबसे बड़ा पर्व होता है और ये बहुत बड़ा लोकतंत्र का चुनाव माना गया है, और इस चुनाव में इंदौर में अभी जो देखने में आया है कि जो कांग्रेस का एक प्रतिद्वंदी जो था वो उसने अपना फॉर्म वापस लेके उसमें चले गया, जो भी प्रोपोगंडा हुआ वो सभी आप लोगों को मालूम है। इसके साथ साथ ये है कि कांग्रेस एक प्रचार कर रही है कि हम जो है उसको नोटा को समर्थन करेंगे और नोटा में वोट डालने का प्रचार करेंगे और इस तरीके से, तो ये उनकी भी नेगेटिव मानसिकता है, तो इतना ऐसा इस तरीके से नहीं होना चाहिए। और अगर मेरा तो ये मानना चाहिए कि आगे चल के जब अन्ना हजारे जो आंदोलन हुआ था उस दौरान उन्होंने एक मांग की थी राइट टू रिकॉल में ऐसा था कि अगर आपका प्रत्याशी अगर आपके लिए उतना काम नहीं कर रहा है या आपके उस मापदंड पे वो खरा नहीं उतर रहा है या उसने जो घोषणा की है वो घोषणा के अनुरूप वो काम नहीं कर रहा है, तो आप उस दौरान वो है ना राइट टू रिकॉल का प्रयोग करके और उसको है ना निष्क्रिय कर सकते हैं। उस तरीके की मतलब योजना भी है ना देश में अगर आती है तो बहुत अच्छा होगा। तो आप कुछ अपील आपके द्वारा की जाए? हाँ, ये देखने में आया है कि जिसे ना इस मतदान को लेकर काफ़ी लोगों में उत्साह था, लेकिन वहीं एक युवाओं में बहुत ज़्यादा निराशा भी है क्योंकि है ना दोनों के तरफ मैच है ही नहीं, एक वाकावर जैसा तो हो ही गया है क्लियर कट, तो उसमें कुछ लोग बहुत निराश की ओर दिखते हैं। कई लोग ये सोचते हैं कि क्यों जाए, तो शासन प्रशासन जरूर लगा हुआ है कि मतदान अच्छा हो, तो इंदौर के उत्साही रहते भी हैं, लेकिन वो समय बताएगा कि समय अच्छा नहीं। देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में इतने बड़े एक प्रत्याशी का हरण कर लिया गया, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने जगह जगह प्रचार किया है और उन्होंने इस बार मन बनाया है कि हम सबसे ज़्यादा वोट नोटा को करवाएंगे और जो कांग्रेस के लाखों वोट हैं इंदौर शहर में वो सब वोट नोटा में जाएंगे, क्योंकि इस तरीके से गंदी राजनीति करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके बड़े आरएसएस के लोगों ने जिस तरीके से ये कांग्रेस के प्रत्याशी का हरण किया है, इससे बहुत निंदा शहर में शर्मनाक घटना है। इसको लेके हम सबसे अपील करते हैं, इंदौर की जनता से मैं अपील करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को नीचे मुंह जनता को दिखाना पड़ेगा और नोटा पे वोट डाले, ज्यादा वोट करें, आने में इस तरीके की कोई घटनी हो। मैं प्रदेश में देखिए, मेरा तो सबसे पहले कहना है कि किसी भी पार्टी को एक अपना पर्सनल ओपिनियन पार्टी का जनता में नहीं थोपना चाहिए। ये मत देना, वोट देना इंसान का एक अधिकार है, और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के अगर कैंडिडेट ने उनके साथ जो भी व्यवहार किया है, उनके साथ जो भी हुआ, तो उसको लेके आप पूरे समाज को और उन मतदाताओं को भड़काओ कि भाई आप नोटा पे, तो ये एक शैली बन जाएगी पूरे देश में। ये एक बड़ा है ना, आप जिस तरफ देश को ले जा रहे हो, आपको लगता है भाई किसी व्यक्ति विशेष ने अपने कैंडिडेट होने का फ़ायदा उठाया या नुकसान हुआ आपको, जो भी वो आपकी आपकी पार्टी का एक पर्सनल ओपिनियन है। आप ये थोड़ी कर सकते हो पूरे शहर को इस तरह की एक आग में डाल दो कि आप तो नोटा को वोट दो। अरे उसके अलावा 14 कैंडिडेट अपनी लड़ाई लड़ना है और अपनी किस्मत आजमाना है, तो मेरा ऐसा सोचना है कि इस तरह के व्यवहार को और इस तरह के शब्दों का उपयोग करना गलत होगा। कांग्रेस इसको लेकर रैलियां भी निकालने का भी ऐलान किया है। जीतू पटौरिया यानी इंदौर थे और उन्होंने कार्यक्रम में कहा है कि हम नोटा को लेकर रैली और लेवल पर टेबलें भी लगाएंगे, तो ये एक अच्छा बहाना मिल गया कांग्रेस पार्टी को कि भाई कहीं कैंडिडेट नहीं मिले तो नोटा को अपना सपोर्ट में ले लो। क्योंकि क्या होता है कि उनकी ऐसी सोच है कि जितने नोटा को लोग वोट दे देंगे तो हम ऐसा भविष्य में दर्शाएंगे कि वो वोट हमें मिले, जबकि नोटा एक इंसान का कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी भी पार्टी को पसंद नहीं करते हैं या किसी की विचारधारा से सहमत नहीं होते हैं,
वो नोटा को चुनते हैं। तो इन्होंने एक बहाना मिल गया कि कुछ 20-30% वोटा को जोड़ लेंगे, 10-20% हमारे जुड़ जाएंगे, तो हम बराबर में आ जाएंगे। यूँ तो बराबर में आ नहीं पा रहे हैं। मेरा नाम राशिद शेख है, जिला आज कमेटी अध्यक्ष इंदौर।